अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार दोस्तों, पालक लाया था यार इनके लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ कि इनके लिए पालक बहुत अच्छी होती है, इससे इनकी सेहत बहुत अच्छी होती है यार। तो देखें कितनी खुशी खुशी खा रहे हैं यार सारे के सारे। ये दोनों नीचे आना शुरू हो गए, वो देखें हमारे कॉकटेल जो है, ये जो फीमेल है और इसने उठा के स्टार्ट कर दिया खाना, खा रही है ना। हाँ, और वो देखें वहाँ पे तो पार्टी चल रही है भाई। हमारे जो बजेज हैं उन्होंने तो खत्म भी कर दी खा पी के, तकरीबन सारे बजेज ने, और जो हमारे फ्लावर, ये जो डबल फ्लावर हैं होगो रोमो, उन्होंने सब ने। बाकी यार काफी टाइम हो गया यार फुरकान, ना हमने कोई अपडेट लिए ना कुछ यार। ये अंडे नहीं दे रहे यार, क्यों? तो इन्होंने अंडे ही खत्म कर दिए, मतलब पता नहीं सीजन नहीं है क्या नहीं है। लेकिन मैंने जितने अपने हिसाब से पाले, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक कुछ को तो अंडे देने चाहिए थे यार, पर इनके पेयर नहीं बन पा रहे। हम अब वही बात है कि मेरा इस पर ध्यान नहीं लग पा रहा मुर्गे मुर्गियों की वजह से। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मुर्गे मुर्गियों का मुझे ज़्यादा शौक था यार, तो खैर से, और मास्टर की इसकी इजाज़त नहीं मिल रही, नहीं तो यार मैं इनको खोलता और बड़ी जगह बनाना चाह रहा था। खैर से यार हल्के हल्के करके योगा सब दोस्तों। तो पहले जो हमें करना है ना, वो तो पिजन सेटअप है, उसके बाद फिर हम आएंगे अपने बजट सेटअप पे। मैं कोशिश करूंगा कि यार बजट का भी कोई बड़ा सेटअप करें, छोटा मतलब नॉर्मल, बड़ा केज नहीं, बहुत नॉर्मल केज हो, इतना इससे बड़ा हो, ताकि यार ये हैं घूमे फिरे तो सही दोस्तों। तो खैर से यार आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि क्या हमें बजट का बड़ा करना चाहिए सेटअप या नहीं। क्या हो गया, क्या हो गया भाई? यार इसको क्यों परेशान कर रहे हो उसको यार? ये लड़ रहा उससे और वो डर रहा है इससे, सेपरेट हमारा जो है यार, देख रहे हो। इस वजह से मैं चाह रहा था इनको ना साथ खोलना शुरू करूं, क्योंकि सेपरेट डरता है, वो इनसे कभी दोस्तों लड़ेगा नहीं, तो जहाँ जाए भागेंगे उधर उधर। खैर से यार जल्दी सेटअप करते हैं, मुझसे अब वेट नहीं हो रहा। और जो सेटिंग है वो तुम्हें तो पता है, बाकी दोस्तों आप लोगों को हम जब ही दिखाएंगे जब हम करेंगे। बहुत अच्छी सेटिंग सोची हुई मैंने, ऐसी बेहतरीन जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, तकरीबन हफ्ता, डेढ़ हफ्ता या दो हफ्ते, इतना थोड़ा सा टाइम लगेगा ऊपर तो इस सेटिंग के लिए, थोड़ा सा ज़्यादा। तो सेटिंग बहुत अच्छी लगेगी आप लोगों को, और बाकी जो होगा ना तो तुम लोग खुद बोलोगे यार बहुत अच्छा करा है इन्होंने ये चीज़। ओ दोस्तों, मैं ये सोच रहा था यार इतना टाइम हो गया हमारे चुलबुली को आए हुए साथ में, कोई इनके बीच कोई दोस्ती नजर नहीं आ रही ज़्यादातर ना। हसन भाई यहाँ क्या हुआ? क्या चक्कर है इनका यार? इनका दाना डालना हूँ अभी, और क्या चक्कर है? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, ये तो टाइम हो गया इनको आ रहे, कोई दोस्ती मतलब नहीं आ रही सास इन लोगों के यार, यही मैं नोटिस कर रहा हूँ। अच्छा सबसे बड़ी बात ये कि तुम्हें पता है अपन को इतना पता नहीं है इनके बारे में कि मेल कौन है फीमेल कौन है, तो ये चीज पता करनी थी। अब उन्होंने तो बोल दिया था कि इनमें से फीमेल, अभी तुम्हारे को पता कौन थी फीमेल? बता, तुम्हें याद है कुछ? हाँ, वो वाली फीमेल हाँ, है और वो मेल, वो हाँ, तो हमारे को वैसे ही याद है हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है या तो दो वजह हो सकती हैं, या तो ये कि हमें मेल ही दे दिया हाँ, या फिर ये, चलो अगर फीमेल भी दिया है तो फिर ये मसला आ रहा है एक फुरकान, हो सकता है कि पट्टा ना हो बच्चा ना हो इनमें से कोई एक। लेकिन वो उन्होंने बोला था जिनको हमने, जिनसे दोस्तों ये ली थी, उन्होंने बोला था दुकानदार ने, शॉप ओनर ने, कि ये इन, ये जो हैं दोनों के दोनों बिल्कुल सेम एज के हैं और अंडे कर देंगे, दे देंगे यानी कि जल्द। अब पता नहीं कब अंडे देंगे, अब मेरे भी समझ नहीं आ रहा कि ये जल्द अज जल्द अंडे दें तो हमारे पास आए, या फिर इनको जगह राज नहीं आ रही है। हाँ, ये भी है ना, जगह बड़ी हो रही है। तो खैर से यार जो जो देख रहे हैं इनको बताएं मुझे लाजमी कि इनके साथ क्या करना चाहिए यार, कि इनको क्या करें, हम बदलें पेयर चेंज करें। लेकिन चुलबुल तो हमारे पास हो ही रहेगा, चुलबुली आपके सामने, बाकी अंडे क्यों नहीं दे रहे, पेयरिंग क्यों नहीं हो रही है, ये भी थोड़ा सा मुझे बताएं अगर कोई भाई इनके बारे में इतना जानता हो। क्या कर रहे हो क्या भाई? ये पीछे भागता है, दिखाओ यार। दोस्तों आज मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें छोटा डॉन जो, ये देखें परेशान हो रहा है, ये देखें। यार दोस्तों ये देखें, अभी अभी हम सफाई कर रहे थे तो हमारी नजर पड़ी है दोनों बिल्ली के बच्चे, पहचाने आप ये क्यूट है अपना, याद है? नहीं वो है अपना चुलबुल। अरे भाई ये पहचानो ना यार, मुंह से पहचानो, तो मुंह से नहीं पहचान रहे। तो यार हमारा क्यूटो क्यूटी, और एक और चीज बताऊं, ये दोनों तो आए हुए हमारे पास, और इनके साथ साथ हमें आज ये चीज पता लगी, इनकी माँ वो है, वो देखो यार।
हसन भाई यानी कि ये इसकी माँ है। हाँ भाई ये माँ है, ये पक्का माँ है ना, वो देखो ना वो आगे फिर से वो एक और अंदर है, वो अंदर चला गया। बोरा 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 क्यूटो, वो बोरा और ये भी क्यूटो क्यूटी कुछ तो होगा ही पता नहीं। बाकी ये इसका भाई है, कल परसों की बात है, अपन ने वीडियो में बताया था ना, तो सिर्फ ये इसके साथ आया था, मुझे नहीं पता था कि इसके बच्चे हैं यार ये। आज माँ भी इनकी साथ आई है दोस्तों, और ये बहुत अच्छी बात है कि इनकी माँ इनके साथ है। मैं समझ रहा था कि शायद ये कोई छोड़ के चला गया, याद है अपन ने था, तो ये इधर ही इसने कहीं दिए थे बाउंड्री में, और ये यहीं पले बड़े हैं, अब ये यहीं घूम रहे हैं और इनकी माँ इनको ले जाएगी। चलो यार एक चीज़ तो हो गई ना अपने जहन से, एक चीज दोस्तों हमारे टेंशन हो गई, टेंशन कि हमारे को ये था कि यार ये अल्लाह करे किसी हादसे का शिकार बन जाए, पर नहीं भाई उनकी माँ जिंदा है और इनको अच्छी परवरिश कर रही है, लेके जा रही है। यार दोस्तों हमें ये मालूम तो हो गया कि भाई चलो क्यूटो की जो है वो मामा जिंदा है और वो यहीं घूमती रहती है, लेकिन पर वो क्यूटो को ना यहीं छोड़ के रखती है। वो देखें वो बैठा हुआ क्यूटो अकेले, मैं करीब से दिखाऊं जूम करके, दिख रहा है आप लोगों को, ये देखें और जूम कर देता हूँ, ये रहा, ये देखें देखेगा ही नहीं अभी यहाँ पे। तो कैसे भाई क्यूटो जो है ना वो यहाँ पे ही बैठा रहता है और मुझे लगता है ये इसी गली में बड़ा हो जाएगा, पल जाएगा। खैर से हमारे दिमाग की जो वो थी ना कि यार इसकी माँ नहीं है, माँ नहीं है कैसे पलेगा, ये खुशी हो रही है यार बहुत कि ये बिल्कुल सेट है और इसका एक अदद भाई भी है बड़ा, तो इस चीज़ की खुशी हो रही है। यार तुम क्यों उड़ते रहते हो भाई, ये जो है ना हमारा मुर्गा असील बहुत खतरनाक हो चुका है दोस्तों, ये देखें ये ना मस्ती के अंदर ऐसे उड़ता रहता है, ऐसे उड़ता रहता है। बाकी भाई अभी छोटा ही है बच्चा, अभी ये बड़े होने हैं, अभी इनको सर्दियों तक टाइम लगेगा। ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों बच्चे हमने रखे हुए पालने वाले, पालने के लिए। हसन भाई क्या हो गया, डंडा क्यों पकड़ रहे हो यार, अभी देखा तुमने क्या करा इसमें यार, दोस्तों हमला कर रहा है ये, ठीक ठीक, और मैंने इसको यहाँ से निकाला तुम्हारे सामने। हाँ दोस्तों हमने यहाँ से निकाला, इसने मेरी खाल पकड़ी है, मैंने इसको अचानक से छोड़ा, गिरा है, फिर मेरी टांगों पे लपक गया है और इतना शदीद गंदा काट रहा है ये सुल्तान जो है हमारा, बहुत गंदा अटैक कर रहा है इसने यार मेरे पे। भाई हसन भाई, भाई पकड़ने का मरहला यार सबसे मुश्किल मेरा ये ना, पकड़ने में बहुत परेशानी करता है यार, ये देखो आ गया हमारा सुल्तान हाथ में यार, ये काटने लग गया है, देख रहे हो इसका मुंह, अभी मैं हाथ हटाऊंगा ना, ये देखो भाग दो भाई, काटता बड़ा गंदा, चलो अंदर, मेरी भी ख्वारी करा रहा है खुद की भी, कुछ नहीं कर रहा, छोड़ दो आ? नहीं करो, ये मारता है भाई। तो यार दोस्तों आज काफी लेट हो गया यार हमारा व्लॉग, क्योंकि देखिए मगरिब भी हो गई, सब कुछ हो गया, थोड़ी देर बाद दिन ढल जाएगा और हमारा सेटअप तकरीबन हमने सबको खिला दिया, बस एक मुर्गी खा रही है। खैर से यार आज के व्लॉग को एंड करते हैं, तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल गर्मा शॉप को लाजमी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मजे मजे के व्लॉग्स के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ, आज के लिए दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय 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 बाय। ये क्यों किया हुआ आपने, अब तो बंद कर दिया हमारे हाथ में दो डंडे से, एक सुल्तान को